गौरव अरोड़ा जो कि आप जानते हो कि दादी का करेक्टर बड़ा अच्छे से प्ले करते हैं और हर्ष बेनीवाल की वीडियोस में आपने इनको बहुत देखा होगा इनका खुद का यूट्यूब चैनल इतना पॉपुलर है जिसपे बहुत मिलियंस में व्यूज़ आए हैं तो आज हम इनके बारे में कुछ जानेंगे इनसे कुछ बातें करेंगे और स्टार्ट करते हैं आप इन्हें तो स्टार्ट किया था मेरा चैनल <laughs> मेरे को फेसबुक से youtube पे लाने वाले तो यही थे फेसबुक हाँ। से youtube पे इन्होंने शिफ्ट करवाया था तो स्टार्ट करते हैं था कि जैसे आप एक बात हो गुरु बाबू जैसे आप फर्स्ट टाइम आप मत बोलो मैं वो इनफॉर्मल्स हो जाएगा तू, तू तू बोलो जस्ट <laughs> जैसे, जैसे नॉर्मल अच्छा चल भाई एक बात बता यार जैसे हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुम उस टाइम पे फेसबुक पे काम करते थे फेसबुक पे तब सारे फेसबुक पे वीडियोस बनाते थे हाँ सबके फेसबुक पे, पे पेजेस थे यूट्यूब पे बाद में शिफ्ट हुए थे सब धीरे 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 तो तुम्हारा फेसबुक पे आने का मन कैसे किया कि वीडियोस बनाने का एकदम किसको इंस्पायर हुए तुम सबसे ज़्यादा हाँ। तो जाके नहीं, नहीं, तो फिर आ, मेरे एक सर है निशान सर उन्होंने मेरे को फोर्स किया कि भाई यूट्यूब पे वीडियोस भी बना तब सब तब बीबी हर्ष भाई आशीष चंद चला कह रही चार पांच क्रिएटर्स ही थे तो हर्षदीप भैया के साथ थोड़ा लगा मैं से से कैसे कनेक्शन कनेक्शन हुआ? भैया ऐसे हुआ था। एक वाली वीडियो कर ली थी। वो में. वाली जो, <coughs> जो फर्स्ट वीडियो हुई थी फेसबुक पे वो मेकअप वाली वीडियो हुई थी तो उसने मेरी मेकअप वाली वीडियो कॉपी कर ली थी और मेरे 900 फॉलोअर्स थे जनवरी में सिक्स जनवरी के बाद थी क्योंकि अगले दिन मेरा शो था मुझे याद थी वो तो सिक्स जनवरी को मैंने वीडियो अपलोड करी नौ सौ फॉलोअर्स थे और वो वीडियो उसमें आधे घंटे बाद कमेंट आने लग गए कि एक जैन था बंदा उसने कॉपी कर ली और मतलब उसकी वीडियो तूने कॉपी कर ली हाँ। तो हरदीप भैया ने मेरे को उस वीडियो में कॉमेंट करके सपोर्ट किया था तो मैं वहीं फैल गया कि यार हरसदीप भैया ने कॉमेंट कर दिया हुँ हुँ हुँ। तो वहां उन से उनसे मिलना स्टार्ट हुआ

हम भी आए रहे थ्रू <laughs> तो अपने अपने हाँ, रील्स बना भी रहे, तो ये तो ये बेसिकली रहे तो आज के टाइम पे हर एक घर क्रिएटर ही हो चुका है और ये आने वाला वक्त यही है मुझे लगता है हाँ। शायद अभी ये जो कॉन्टेंट क्रिएशन है ना कहीं ना कहीं ना क्रिएटिविटी से ज्यादा एक बिजनेस बन गया हाँ हाँ वो तो ये वो तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा हाँ. नहीं तो भुखमरी से <laughs> लेवल से डाउन हो जाएंगे हम लोग वो तो एक कमर्शियल और एक आर्ट वाला बैलेंस तो मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा हाँ. कि अगर आपको वीडियोस भी बनानी है तो आपको रील्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा अगर आप रील्स ही बना रहे हो तो आपको बड़े कंटेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा तो ये तो बैलेंस

हर्ष की उस टाइम पे बड़ी वायरल होती थी वो मुझे याद है हर्ष की कॉलेज कॉलेज में बनाता था वो कुछ वीडियोस उसकी बहुत वायरल होती थी सब वही हाँ, देखते उस थे उस वक्त के तो किंग यही थे सारे हाँ, हर्ष हो गया भुवन हो गया ये तो उस टाइम के किंग थे आशकिन फेसबुक में लगा रहा था डेढ़ सौ डेढ़ सौ मिलियन मुझे याद भी आता था डेढ़ मिलियन सौ सौ मिलियन हम कहीं जाते थे तब अलग क्रेज था और वो क्रेज अब दोबारा आ गया बीच में वो एक सब जैसे भीड़ आ गई थी तो अब वो क्रेज मुझे लग रहा है कि दोबारा आ गया है कि मतलब सब रील्स पे फोकस कर रहे हैं शॉर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं नेटफ्लिक्स ने शॉर्ट्स का अलग एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है हाँ। तो अब सब मतलब थोड़े कम टाइम देना चाह रहे हैं और कम टाइम पे ज्यादा हंसना चाह रहे हैं क्योंकि लोगों को ये मैं जैसे मेरा छोटा बेटा है वो भी उसे भी चौबीस घंटे पता गया जनरेशन खा ही नहीं सकते बिना एक कॉमेडी बच्चों की वीडियो देखे खा ही नहीं सकते तो जैसे फेसबुक पे उस टाइम पे तुमने बहुत धुमाल मचाया था मुझे आज भी याद है हमारी मेकअप वाले हम ऐसे परेशान होते थे कि भाई आज सिर्फ पांच मिलियन व्यूज आए और आज फोन आज भाई दो लाख नहीं नीटापर है कि बच्चों की आ गया, बड़ों की ऑडियंस अलग है बूढ़ों की ऑडियंस अलग है कुछ ऐसे है जो कॉलेज वाले हैं जिनको देखना ही थोड़ा वैसा वाला कंटेंट है YouTube पे सब मिलता है मतलब यूट्यूब के अंदर सारे टाइप की ऑडियंस आती है अच्छा भी है हर एक टाइप का तो फिर जब तुमने Facebook के बाद YouTube पेज तुमने मूव किया क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक रेवेन्यू नहीं देता था हाँ तब तो बिल्कुल नहीं देता था तो, तो एक बात बताओ जब उस टाइम पे रेवेन्यू नहीं था तुम क्या सोचते थे कि आज जिस स्टेज पे तुम हो यहाँ तुम पैसे कमा रहे हो कभी पहुँच पाओगे सोचा था कभी ऐसा तो मैं आशीष भाई के साथ और राहुल भाई के साथ गली के बाहर पनवाड़ी के पास खड़े होकर बात करता था कि भैया पंद्रह हज़ार रुपये ना आ जाए महीना बहुत है उस वक्त ब्रांड सच का था वो भी मिला नहीं <laughs> के पास ये पेमेंट अभी तक भाई दे देंगे पंद्रह सौ रुपए की बात है कोई पर वो था मतलब उस वक्त तो बहुत बड़ा अमाउंट था फिर उसके बाद एक आपने वीडियो दिलवाया था मेरे को पंद्रह हजार का ही

देसी कंटेंट का बड़ा ट्रेंड चला तुमने कभी देसी कंटेंट क्यों नहीं बनाया <laughs> को, मैंने बनाया नहीं, मैंने मैंने अपनी वीडियो के आगे ना टाइटल लगा दिया देसी वो देसी है मैंने हाँ, उसमें पे। कुछ है नहीं देसी मतलब मतलब देसी ना ये था कि कंटेंट नहीं था हां देसी ये था कि देसी वर्ड चल रहा था देसी देसी जो देशी लिखा होता था ना वो चलता था देसी कोई कंटेंट ही नहीं है मतलब कि अगर हम कोई चीज बना रहे जैसे आज मैं आज फॉर एग्जांपल मैंने मेड फॉर ईच अदर एक सीरीज बनाई तो उसके अंदर जो चीजें हो रही है वो देसी तो है मतलब वो तो कल्चर है देसी बेसिकली कल्चर है कंटेंट थोड़ी है देसी जो ग्राउंड से जुड़े लोग है वो सारे देसी है वो तो बस एक ट्रेंड चल रहा था कि अगर, वो जो गांव वालों को देसी कहने लग गए थे सिटी वर्सेस देसी हाँ हाँ उस टाइम हाँ, पे बहुत चला था वो बस वो टॉपिक्स चल जाते थे मतलब हाँ, कि जैसे आ, कोई किसी के एक, एक क्रिएटर का टॉपिक चल गया तो सारे क्रिएटर्स उसको फॉलो करते थे तो वो यूट्यूब रिकमेंडेशन में आता था तो वो हाँ, सब बनाते थे हाँ, तो उससे मैं थोड़ा सा दूर रहा क्या पता पीछे रहने का रीज़न यही हो <laughs> नहीं पीछे नहीं हो, नहीं, तो नहीं मतलब मैं पे... फोकस करता था कि जैसे अगर मेरे को मन करता था कि मैं कोई करेक्टर करूँ तो मेरे को होता था कि हर वीडियो में कुछ अलग ही मतलब क्योंकि मेरी ऑडियंस को वो पसंद आता था कि हाँ आप ऐसा कुछ बन जाते हो तो वो देखने में मतलब थोड़ा फन होता है और थोड़ा मजा आता है तो मेरे को ये था कि मैं हर वीडियो में थोड़ा सा अलग ऐसा कर जाऊँ

और रात में जाके घर भर का की भी देखना होता था पर उस वक्त कंसिस्टेंसी बहुत थी मतलब कि महीने की चार वीडियोस डालनी है तो मतलब डालनी है आज के टाइम पे वो चीजें मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हो गई है ऐसी वो मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरे, मेरे हिसाब से मेरी कम हो गई है बट बर...

वो एक प्लेटफॉर्म है मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि YouTube पे ही मतलब अभी काफी लोगों का घर ही YouTube पे चलता है वो भी बहुत अच्छी चीज है पर एक मुझे लगता है कि YouTube एक प्लेटफॉर्म भी है कि जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है वो YouTube एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि मतलब आप आप वहाँ पे अपने आपको प्रमोट भी कर सकते हो अपनी मर्जी का कंटेंट डाल सकते हो और ऐसी बात नहीं है कि हम अभी प्रोडक्शन ज्यादा खर्च करें हम जीरो बजट में भी डाल सकते हैं बिल्कुल 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 अगर हम करना चाहे पहले, पहले पहले पैसे का होते थे जीरो प्रोडक्शन भी तो करते थे इतनी बड़ी बड़ी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि पहले का सीन शायद ऐसा था कि

ये चार लोगों की टीम मैंने अभी तक टूटते ही नहीं देखी है। हाँ, मतलब कि सबके हाँ, लोग वो यूके यू जो स्टार्टिंग से थे ना आज तक यूके यू चलते आ रहे अच्छा अभी तक का तुमने मैक्सिमम कितने का स्पॉसर लिया होगा एक साथ बता। <laughs> <laughs> अच्छा वैसे वैसे करे क्या जैसे नॉर्मल नौर, जैसे पॉडकास्ट में होता है कि आपने कितनी नैन, नैनो के हिसाब से बता दो मैंने 20 नैनो महीने की अरे नहीं यार हम तो खुल के बोल सकते हैं यार क्या कोई दिक्कत होना यार ऑडियंस को क्या क्या दिक्कत है एक पता लगना चाहिए यार। एक साथ कर... मतलब एक वीडियो का मैक्सिमम कितना लिया होगा आज तक क्योंकि देखो ऑडियंस को पता लगना जरूरी है मुझे लगता है कि इनकम छुपा के कोई फायदा नहीं है क्योंकि देख लोग मोटिवेट होंगे तो अच्छी seven बात डिजिट्स में तो ले लिया होगा सेवन डिजिट्स में मतलब हम बात करें तो सेवन डिजिट कितनी होगी चार लाख तीन लाख उससे ले हा, हा, ले उससे ज़्यादा ज़्यादा ले ले लिया लिया तो एक मोटिवेशन का पॉइंट है मतलब मतलब देखो यार मैं मैं सही मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था दो हजार रुपए की जॉब अपने ही मैनेजर के पास मैं 2000 की कर रहा था वो जॉब से बोला वो बताऊँ उस वक्त तो था ना उस वक्त तो था मतलब और इनको लगता था पर उस वक्त मेरे को बिल्कुल नहीं विश्वास था कि मतलब कि अब अगर मैं इस अभी मैं अपने आपको देखता तो तो कुछ भी नहीं किया लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी तो वन परसेंट भी नहीं किया बहुत नहीं। कुछ करना है पर अभी भी जो वन परसेंट है ना वो हमारे जैसे बहुत लोग बनना चाह रहे हैं बिल्कुल 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 मतलब और फिर उस वक्त ना मतलब मेरे को अपनी जर्नी से मोटिवेशन मिल जाती है कि भाई हम कहाँ स्कूटी से आते थे क्या धक्के खाते हुए आते थे और आज कहाँ है तो कुछ भी हो सकता है ये बाइक से आते थे <laughs> <laughs> से <laughs> और <laughs> जितने और एक कुछ दस बीस गज का इनका ऑफिस होता था आते थे था एक चेयर थी और पांच एक लोग थी। अगर उधर रूम में आ गए तो सफोकेशन हो जाती हाँ। सफोकेशन हो जाती दो को बाहर जाना पड़ता था। दुकान थी वो एक तरीके से ना हाँ। दुकान दुकान थी दुकान हाँ। के अंदर ऑफिस बना रखा था तो वहां से मतलब वो होता है कि अगर आप उस लेवल से इधर आ गए इन बैकग्राउंड मुझे पता है कि आप किधर स्टैंड करते हो और आपको मेरा पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता दो तो अगर हम उधर से आ गए तो फिर कुछ भी हो सकता है कोई भी कुछ भी कर सकता है बिल्कुल तो वहीं से मिलती है कि मतलब और किसी बंदे को देखने की जरूरत नहीं पार तो हम हमें कुछ भी खुद कर सकते हैं कि अगर हम हमारे पास कुछ था ही नहीं खोने के लिए और इतना कुछ आ गया आज तो कुछ भी हो सकता है बात करते हैं जैसे अब एक चीज़ बताओ यूट्यूब पे आने के बाद कंटेंट क्रिएटर जब तुम खुद बन गए थे तुम्हारे मन में ऐसा क्यों आया तुम्हें दूसरों की टीम से भी जाके काम करना चाहिए उससे मतलब देखो ऑब्वियसली एक्सपोजर भी मिलता और मतलब थोड़ा ना वो भी होता है कि वो थोड़ा रिलैक्स माइंड भी होता है ना कि अपने यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी खुद संभालनी है जहाँ पर शूट कर रहे हो उसकी लोकेशन के मालिक से भी खुद बातचीत चल रही है टीम भी देखनी है डायरेक्शन भी करनी है एडिट क्या होगा वो भी दिमाग में चल रहा है वहाँ पर थोड़ा सा

और, और मजा भी बहुत आता है। और, और शायद जहाँ तक मुझे पता है तुमने कभी पैसे भी नहीं लिए

बहुत चीजें अंदर दब जाती है बिल्कुल अच्छा जैसे तुमने हर्ष के साथ काम किया दादी अगर आपका दादी वाला करेक्टर बात करें हम गौरव बाबू तो कैसा था वो मतलब कैसे तुम्हें दादी का करेक्टर मिला और कैसे तुमने हर्ष की टीम ज्वाइन करी वो इसके पीछे वीडियो हम लिख लिख रहे लिक रहे थे थे साथ साथ में विद परिवार ये तो बताओ हर्ष के जुड़ने की तक की स्टोरी हर्ष बेनीवाल के साथ अभी तो हम शाउज हर्षदी पाउजा की बात करते हैं अब हर्ष बेनीवाल की बात करते हैं कैसे हर्ष हर्ष बेनीवाल से तुम मिले और कैसे उसकी टीम में आपकी एंट्री हुई और कैसे आपको करेक्टर मिला वीडियोस तो वो देखते थे पहले मतलब उन्होंने देखा हुआ था मेरे को वीडियोस फिर उनका और हमारा मैनेजमेंट भी थोड़ा सेम हो गया था बीच में और फिर वो मेन जो हम तसल्ली से मिले थे वो मिले थे नज़र बट्टू में अच्छा हाँ तो उनकी पहली वीडियो लिखी थी कोई अपने भूल गया मैंने बहुत सारी तेरह चौदह उनके साथ में लिखी उनकी अच्छा अच्छा और पहली कोई वीडियो लिखी थी तो उसके बाद लिखी थी अपने पबजी विद परिवार जो तसल्ली से बैठ के लिखी थी वो मैंने मतलब साथ में लिखी थी उनके हाँ। और उसके अंदर फिर एक मैंने खुद ही लिखा था अपना दादी वाला अच्छा तो फिर उनको बहुत पसंद आया तो उन्होंने फिर एक परिवार बना दिया वो चार बंदों का परिवार बना दिया था पूरब ने भी नया ज्वाइन किया हुआ था तो पूरब को भी एक पूरब ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका था उनके साथ बेटा बाप वाली तो फिर उनकी एक वाइफ का भी रोल कर रही थी प्रतिष्ठा तो उन्होंने दादी ऐड करके एक परिवार बना दिया तो फिर वहाँ से वो चलता रहा और वो लोगों को बहुत पसंद आया तो उस फोर्टी फाइव मिलियन व्यूज़ और मैंने एक ही चेक किया था फोर्टी फाइव मिलियन व्यूज़ उस वीडियो के yeah. बहुत अच्छी वीडियो थी वो फिर उसके बाद वो चलता रहा फिर उन्होंने विद डैड में भी वो करेक्टर यूज़ किया फिर hmm. कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो एक फैमिली और वो यूनिवर्स चलता रहा तो वो मतलब वो उस वक्त वो एक कमरे में लिखा था उनके रूम में बैठ के लिखा था बढ़िया करेक्टर लिखा था और वो बहुत क्रेजी चीज लिख दी थी तो उन्हें बहुत अच्छी हिट हो गई थी तो मज़ा आया था मेरे को भी करने में मजा आया था वो मैंने आज से पहले दादी वाला करेक्टर नहीं किया था पहली बार उनके पास किया था उससे पहले मैं अपना अरोड़ा साहब का करेक्टर था वो करता रहता था तो ये दादी वाला करेक्टर आई थिंक मेरे मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है कि तुम कहीं और भी नहीं कर सकते कुछ ऐसा ही है ना कि तुम्हें वो करेक्टर से नहीं मैं अपनी वीडियोज में करता हूँ ऐसा नहीं मतलब मेरे मैंने लिखा था वो ऑब्वियसली करेक्टर मैंने लिखा था उसकी कुछ एक झलकिया दिखा सकते हो नहीं वो मैं मेकअप के बाद वो आपके वीडियो का एंड शाउट आउट उसमें <laughs> <laughs> तो इससे क्या होता है कि हमने इनसे सीखे इससे क्या होता है <laughs> अब अब आखिरी तक देखने तो है आखरी तक तो मैं देखना है कि दादी कैसे बोलती है दादी ना मेरी सब्सक्राइब अपील कर देगी ना लास्ट में तब मजा आएगा तब तक तो अच्छा हर्ष के साथ जैसे हम बात करते हैं बेनीवाल के साथ तो कि एक्सपीरियंस कैसा बंदा कैसा है हर्ष बेनीवाल बढ़िया उनकी उनसे बढ़िया एग्जीक्यूशन मुझे लगता है कि मैंने अब तक अपने मैं जहाँ तक मैं मेरा जितना सर्कल है उनसे बढ़िया एग्जीक्यूशन कोई नहीं करता वो एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं अपने आइडिया को हुँ. कि मतलब उन्हें कुछ भी लिख के दे दो या वो कुछ भी खुद भी लिखते हैं जैसे भी उनके पास आ जाए डेटा हुँ. तो वो उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो और, वो मैंने एग्जीक्यूशन बहुत सीखी है वहाँ से कि मतलब मुझे भी समझ आती है चीज़ें फिर और अगर हम बात करते हैं नजर नज़रबट्टू के साथ भी तुमने काम किया नज़र बट्टू भी अब एक टाइम पे बहुत बड़ा नाम रहा है उन्होंने तो उन्होंने तो बहुत सारी उन्होंने तो बहुत रूट से चीज़ें सिखाई है मतलब कि जैसे हम पहले वीडियोस पेल देते दे थे तो फिर बहुत रूट से चीज़ें सीखी है मतलब वहां से थोड़ी चीज़ें सीखी और फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया फिल्म फिल्म के बारे में कि फिल्म बनती कैसे कैसे होती है सारी चीज़ें कितने लोग लगते हैं क्या होता है और पर वहाँ से और मेरे को ही नहीं वहाँ से काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने वहाँ से मतलब काम सीखा है अब एक चीज बताओ जैसे तुमने मेन कंटेंट जब तुम यूट्यूब पे बनाने स्टार्ट किया था तुम लिस्टिकल्स पे जा रहे थे स्टोरीज हाँ। पे आए फिर धीरे धीरे लव स्टोरीज भी बनाई तुमने कई कॉमिक लव स्टोरी बनाई उसके बाद ये वेब सीरीज का क्या भूत चढ़ा कि भाई हम तो वेब सीरीज बनाएंगे हम सिर्फ सीरीज बनाएंगे हम सिर्फ प्रोडक्शन बनाएंगे क्या मतलब ऐसा क्या था कि भाई जबकि लो प्रोडक्शन में दुनिया भी काम कर रही है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और पैसा अच्छा कमा रहे हैं तो तुम्हें ऐसी क्या चुल मची की तुम्हें वेब सीरीज ही बनानी है भाई अब वो तो चुल अब वो चल जो मचती है वो वो बता के नहीं मचती <laughs> अब जैसे मतलब कि बेसिकली यह था अब जैसे अब चेंज हो रहा है टाइम चेंज हो रहा है ओ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं और हाँ, शॉर्ट्स में शिफ्ट हो रहे हैं बिल्कुल मैंने चूज कर लिया okay. कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्केचे नहीं बना रहा sketches बना रहा हूँ नेक्स्ट मैं स्केच ही बना रहा हूँ अभी भी एक स्केच बनाया था दो स्केच बनाए थे बीच में फिर एक सीरीज डाल दी तो मतलब की वही है ना कि जो दिखता है वही बिकता है बिल्कुल अब मेरे को पिच करना हो किसी को या फिर मेरे को दिखाने के लिए बेसिकली बोले तो तुम अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे थे कर रहा अपने खुद पैसों से एक अपना का पोर्टफोलियो तैयार आने वाले टाइम में किसी को शो कर सके

मतलब बेसिकली content. बात वही है कि कंटेंट की कॉन्टेंट कंटेंट से बड़ा तो कुछ है ही नहीं क्योंकि हाँ. अभी शॉर्ट्स पे कुछ ही है जिनके कंटेंट बहुत अच्छे हैं वरना तो अभी वही चल रहा है कि हुँ. लोग पेल रहे हैं लोग देख रहे हैं मतलब लेट तो अब इस इंडस्ट्री में लेट का तो कुछ वही नहीं होता अब लोगों का काम ही यही है अब लोग जितना अब लोगों को नया भी तो देखना ना कुछ अच्छा इस इंडस्ट्री में तुम्हारे दोस्त कौन कौन है भी थोड़े टाइम से सो सोचा है कि ना ही रहो ज़्यादा बेटर है मतलब कि जब से पूरब ने भी हर्ष भाई को ज्वाइन किया था उससे पहले से भी जाना था तो पूरब के साथ मेरी थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी बैठ जाती है मैं उससे थोड़ा खुल के शेयर कर देता तो हूँ सारी चीजें बाकी चुपचाप ही रखता हूँ सारे <laughs> ओ भाई। सारे सारे सब अभी कुछ टाइम पे मैंने दुश्मन थोड़े ज़्यादा बना लिए थे अच्छा तो बहुत सारे अरे बाप रे दुश्मनी और कल वो फिर लेकिन ये, तो तो वो, तो वो, वो ये तो हमारी थी एक तरीके से आपकी एज अ कंटेंट क्रिएटर की जर्नी अब हम बात करते हैं गौरव बाबू तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में ठीक है कुछ ऐसी चीजें बताओ तुम बचपन में कैसी कैसी चीजें करिए कुछ मतलब ये जो तुम्हें

करता रहता था और आप मानोगे नहीं बहुत अजीब अजीब सी इमेजिनेशन करता था कॉमनवेल्थ चल रहा था तो मैं ऐसे ही अपने नहा रहा हूं और ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं उसका ना इनोग्रेशन कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ बहुत फेमस हूं मैं बट यही सोचता रहता था बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं एक्टिंग के अंदर जाऊंगा बट मेरे साथ ये था कि मैं लोगों को थोड़ा ना मतलब हंसाता रहता था जो कि मैंने अपने घर में चाचा जी से सीखा था मतलब हंसाता रहता था और घर पे नहीं हंसाता था अपने बाहर स्कूल के ग्रुप्स में हंसाता था जैसे जहाँ मेरी बुलिंग होती थी स्कूल में और मैं उसको हंसा के कन्वर्ट कर देता था, था तो फिर लोगों को आदत हो गई कि हाँ मतलब मेरे स्कूल में ऐसा था कि मैं नाइन्थ टेंथ में पिटा हूँ बहुत स्कूल चेंज कर लिया था मैंने छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में गया तो बहुत पिटा और खा भी लेता था होता था ना कि हाँ नए स्कूल में कोई नया बच्चा है और फिर इलेवन ट्वेल्थ में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया कि मैंने फिर थोड़ी बकचोदी करने लग गया थोड़ा सा लोगों को हंसाने लग गया टीचर ने कुछ जवाब दिया कुछ बोल दिया तो बैंक बेंचर से फेमस हो गया कि हाँ कि इसका पढ़ाई में तो दूर दूर तक मन नहीं है तो फिर वो हो गया कि हाँ वो मेरे को मारने के साथ साथ मेरे को मिस भी करने लग गए की हा, हाँ आज आया नहीं आज आया नहीं आज आया नहीं तो फिर मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि तू स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करता और उतने डम थे मैंने सर्च किया कि क्या होती स्टैंड अप कॉमेडी अच्छा मैंने कहा तो वही जो राजस्तव कपिल शर्मा करते हैं तो वही होती है फिर लिखा एक सेट फिर मैं गया स्वरा के साथ शूट करने मतलब शूट करने क्या कॉलेज में अच्छा, सौरा उस टाइम पे स्वरा मेरी क्लास में मेरे साथ थी इलेवेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ हम लोग साथ में क्लास में थे फिर उसके बाद आज पता लग रही है इलेवेंथ <laughs> हाँ, ट्वेल्थ हम साथ में थे और फिर उसके बाद हमने एक दो जगह स्टैंड अप कॉमेडी करी वो भी मतलब सोच होती मतलब कि उस वक्त कुछ ज़्यादा था भी नहीं मतलब कि नॉर्मल क्योंकि कॉलेज में फेस्ट है वहाँ करने चले गए तो ऐसा सा था कि मतलब फिर फिर धीरे 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 यूट्यूब में आए फिर फंसते रहे अच्छा और क्या कहते हैं YouTube में आने से पहले ये क्रिएटर बनने से पहले कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही <laughs> अरे कितनी रही मतलब ये पूछना नहीं, चाहिए नहीं, थी बोलना नहीं है तो मतलब ये बिल्कुल सख्त लोडा है अवेलेबल अरोड़ा अभी किसी भी लड़की को अगर हो तो प्लीज इंस्टा पे डीएम डाल देना ये बिल्कुल 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 मैं थोड़ा ना टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ जीवन में तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता डीएम ना वो वाली जिंदगी मैंने देख ली अच्छा बढ़िया पास से एकदम अच्छा तुमने लाइफ में कोई सबसे बड़ी गलती करी है जो तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था ये मेरे से क्यों हो गया ऐसा नहीं करना चाहिए था कोई ऐसी चीज अब नहीं लगता पहले मुझे लगता था कि हाँ ये गलती कर दी ये गलती कर दी ये गलती कर दी फिर मुझे अब टाइम पे आके समझ आ गया कि कोई भी गलती गलती नहीं है अगर वो गलती ना होती तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता

पिन चुबोता रहता है मतलब होता नहीं, नहीं किसी को छेड़ना किसी को भी टोंट मारना मजे लेना ये बड़ी आदत है नहीं जो नहीं पसंद आता हाँ नहीं मैंने देखा है बहुत तो अच्छा किया है जो जो नहीं पसंद आता जो नहीं पसंद आता अच्छा ये कोविड का भी, period, भी कर रहा हूँ मैं वो अभी अच्छा? भी नेक्स्ट क्या पता नेक्स्ट वीडियो में कर दूँ किसी अच्छा कोविड का पीरियड तुम्हारा कैसा था बहुत बढ़िया था

हो जाएगी ठीक लोगों को पसंद क्योंकि <laughs> मैंने तो, फील किया कि गौरव तुम्हारा जो मेन फोकस है है ना पैसा नहीं है आज हाँ, के टाइम टाइम ये पर आया था भैया हाँ। कि कम वीडियोस का भी टाइम आया था कि हाँ अगर हम कुछ बना रहे टाइम लेके बना रहे हैं फिर जब रील्स आई तो लोगों को ज्यादा ज्यादा देखने का कम कम ज्यादा अब तो वो शिफ्ट कर देंगे तो उसमें वो हमारे हाथ में है बिल्कुल एक्चुअली क्या ना कॉन्टेंट क्रिएटर्स बहुत हो गए तो लोग जनरली क्या होता है कि तुम कॉन्टेंट नहीं दोगे ना तो किसी और को देखने लग जाते हैं और फिर उन्हें उसको देखने की आदत पड़ जाती है हाँ ये भी आजकल ऑडियंस मूव होने का एक तरीका बन गया है हाँ, कि जो ज्यादा कंटेंट परोस रहा है ना उसके पास ऑडियंस ज्यादा जा रही है क्योंकि दिख मतलब वो एल्बम एल्बम बिल्कुल होम स्क्रीन पे तो वही दिख रहा है ना क्योंकि सब्सक्राइबर से व्यूज नहीं आते ना ये ये चीज ये चीज हमारे सपोर्टर समझ पाएंगे कि कोई मेरे को फॉलो करता है तो उसको पता है कि अगर यार ये दो महीने बाद वीडियो डालेगा नहीं 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 वो अलग बात है तो इसको भी ठीक करने के लिए अब आगे रील्स वाला टाइम आ गया तो अब उधर दिखेंगे अच्छा गौरव अरोड़ा अगर यूट्यूबर ना होता तो क्या होता मुश्किल है भाई मेरे मैं और कुछ नहीं करता एक्टिंग नहीं करता मैं और कुछ नहीं करता मैं मैं वो वाला काम बहुत अच्छा कर लेता <laughs> किसी को करना हो शेल्स, शेल्स कर रहा हो लोगों ने सुना तुमने टिकटॉक पे तो वीडियोस के देखा पे दो तीन हाँ। अपनी वीडियोस काट के डालना प्रेफर करता था मैं दो तीन स्टार्ट, स्टार्ट में टिकटॉक पेडियो टिकटॉक पे हाँ। टिकटॉक टिक जैसे दो तीन प्लेटफॉर्म कैसा लगता था उस टाइम पेट्यूबर से टिकटॉक हुआ था कि हर कोई भाई यूट्यूबर्स तो अगेंस्ट हो चुके थे टिकटॉकर्स के तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था उस वक्त तो सही बताऊ उस वक्त था कि हाँ कंटेंट गरम चल रहे भले मतलब उस वक्त ये था की तुमने वीडियो बनाई थी टिकटॉक पे बिल्कुल बनाई थी और बहुत टिकटॉक होगी तुमने वाली हाँ, नहीं थी तो उस वक्त ये था कि हाँ मेरी ना एक वीडियो मैंने ऐसी बना दी थी और वो व्यूज़ के लिए नहीं बनाई थी सही बताऊँ तो वो चल गई और वो टिकटॉक और यूट्यूब से रिलेटेड बनाई थी तो मैंने कहा जब चल गई है तो फिर दो और डाल देता हूँ क्योंकि तो उस वक्त ना व्यूज़ की बहुत भूख थी बिल्कुल की मतलब व्यूज़ आने रहे आने रहे और ऐसा कॉन्टेंट डाला जो मेरे को नहीं पसंद जो लोगों को पसंद आ रहा है जिसके अंदर मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा जिसके अंदर मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जिसके अंदर मेरा कुछ कुछ भी एक परसेंट नहीं बस मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको मैं जिनसे मैं मिला भी नहीं हूँ टिक एक टिकटॉकर्स

कि के ब्लॉगर्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि क्या कर रहे हैं ब्लॉगर्स तो मैं देख रहा हूँ ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स

उससे रियल लाइफ का गोरोडा कितना अलग है काफ़ी हद तक मतलब कि हाँ मेरे को थोड़ा अब थोड़ा अब के टाइम में मेरे को थोड़ा पीस चाहिए पहले मेरे को बहुत सारे लोग चाहिए होते थे मेरे को थोड़ा सा अकेला रहना पसंद आता है वैसे मैं बताऊँ मैं पर्सनली मैं बताऊँ गोरोडा एक बहुत जुगाड़ू आदमी है मतलब उसे कुछ चाहिए ना वो निकाल लेगा जुगाड़

अब अगर हम बात करें कि फैमिली के बारे में हाँ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है मम्मी पापा हाँ और मेरी एक छोटी बहन है और दादी है अच्छा तो दादी का करेक्टर है अपनी दादी से तो नहीं नहीं वो अलग है वो अलग है वो अलग है हाँ। अरोड़ा साहब का जो करेक्टर है वो पापा हाँ। वो? वाला अच्छा वो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा उनकी बातें हैं बस सिर्फ अच्छा। उनकी बातें है, 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 है और ये जो दादी वाला करेक्टर है और ये जो ये वाले करेक्टर है मैंने अपने रिश्तेदारों से थोड़ा ज्यादा ग्रैप किया है मतलब कि जैसे वो बैठक बैठक में आके मतलब जब बातचीत होती थी तो से थोड़ा थोड़ा ग्रैप किया वही तो मैं बता रहा हूँ जैसे मेरे एज में बड़े बड़े लोग है ना तो वहां से कर लेते हैं बेसिकली वही है कि एक्टर की एक खूबी क्या है कि वो दूसरों से एक्टिंग सीख लेता है कि एक नेचुरल बंदे से एक्टिंग सीख के उसे कैमरे पे बना लेता था हाँ। आवाजों के साथ खेलने का मेरे को था कि हां हाँ। आवाजों की मैं की में मिमिक्री अच्छी करते हो हां थोड़ा दिखाओगे किसी की

कि अभी पहले लगता था उस वक्त लगता था कि यार मम्मी पापा बनाने नहीं दे रहे वीडियो पर अब लगता था सही है क्योंकि उस वक्त उन्हें कोई नहीं पता था कि ये है क्या फ़ोन मतलब ये वीडियोस बना रहे इसका करियर क्या होगा मतलब क्या होगा उनका रिएक्शन बड़ा वो था कि मतलब कि कि तू बना ले पर गाली मत दे जब मैं थोड़ी बहुत गाली देने लग गया था बीच में एक आध गाली देता था वीडियो में वो भी उनके लिए होती थी गाली मत दे तो बीच में होता था कि हाँ कि उन्हें समझ नहीं आता था दो तीन साल थोड़े पेनफुल रहे उनके लिए भी मेरे लिए भी कि थोड़ा डिस्टेंस हो जाता था और फाइनेंश का भी रहता था कि भाई तो क्या कर रहा है मतलब समझ नहीं आ रहा है कि करने आगे मतलब करियर के आगे करना नहीं करना कुछ नहीं। तो वैसे वाला रहता था पर जब एक टाइम पे उन्हें चीज़ें मैंने तसल्ली से बैठ के समझाई चीज़ें करी सॉर्ट करी बताया उन्हें कि मैं ये कर रहा हूँ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ एक दिन आपका नाम होगा और जब लोग भी मिलने आते हैं मतलब कि सबको पता है कि मतलब लोग पापा के फ्रेंड वगैरह भी बोल देते हैं कि हाँ कि मेरे बच्चे इस फोटो खिंचवाते हो वो करते हो तो फिर उनको समझ आ गया कि हाँ कि कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ सब सही कर रहा हूँ तो अब मेरे को वो बहुत सपोर्ट करते हैं पहले ऐसे बंद पहले सपोर्ट नहीं करते थे पहले भी बहुत सपोर्ट करते थे और अभी भी बहुत करते हैं अभी भी ऐसा है कि अभी जैसे हमारी प्रोडक्शन में जो अभी है उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मेरे पापा के पास चला जाता है वो अच्छा। मेरे से भी ज़्यादा जुगाड़ हुआ है कुछ भी चीज़ चाहिए और जैसे मेरे को नेक्स्ट वीडियो में स्कूटर वाली रेडी चाहिए तो पापा के पास लिंक है वो निकलवा देते हैं अच्छा जैसे अगर हम बात करेंगे तुम्हारे पापा अब तो तुम गाली देते हो

ठीक है स्टार्ट करें बिल्कुल जी फेवरेट मूवी थ्री इडियट्स फेवरेट एक्टर <laughs> वैसे <laughs> <laughs> नहीं मतलब बहुत सारे हैं मतलब कि अभी तो मेरे को थिएटर के लोग बहुत फेवरेट एक्ट्रेस वो वही कर देते हैं <laughs> नहीं फेवरेट एक्ट्रेस अगर मैं एक्टिंग देखूं तो दीपिका पादुकोण की एक्टिंग बहुत अच्छी है और आपका उम, पसंद मेरे को परिणीति चोपड़ा है। अच्छा हां कि मतलब एक दिन लाइफ में इतना बड़ा मतलब कि वो कितना बड़ा बंदा है कि एक बार परिणीति के साथ हमने पहला जो डायरी में होता है ना एम ही वही है कि हां कि एक दिन उसके साथ काम करना है घर बाबू बहुत बढ़िया अच्छा कोई फेमस डायलॉग किसी मूवी का मैं सही बता तो बहुत कम देखता हूं मूवीज वगैरह अच्छा हां फेमस डायलॉग तो बहुत सारे हैं मतलब कि मतलब डायलॉग्स <coughs> तो बहुत चल रहे हैं पर कोई फेवरेट नहीं है अच्छा खुद की कोई फेवरेट यूट्यूब वीडियो खुद की कोई फेवरेट यूट्यूब वीडियो Uh, एक मैंने वो बनाई थी अगर आपने देखी हो सिद्धार्थ वशिष्ठ पे वीडियो बनाई थी ना uh, तो अभिनंदन अभिनंदन के साथ को अभिनंदन को ढूंढने जो पायलट गया था ना वहां पे तो वो उसकी डेथ होगी तो वो वही रह गया था तो मैंने उसके ऊपर बनाई थी उसकी फैमिली ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था बोला था तो मेरे को इसलिए हाँ और वो वो फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि उस वक्त ना मैं एक नाम नहीं लूँगा मैं एक चैनल के पास गया था कि मेरे को वीडियो बनाई तो उसने मेरे को कहा था अरे पता है कितने में दो ढाई लाख में बनेगी वीडियो की जो सोची है इतने सारे बंदे तो मैंने उस वीडियो को अठारह हज़ार रुपये में बनाया था <laughs> और उस वीडियो को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत की थी तो वो मेरे को लगता है कि हाँ उस टाइम में मेरे को अच्छी वीडियो थी हाँ तो अब हम जैसे बात करते हैं कि अभी तक आपने अपनी यूट्यूब जर्नी बताई अपनी फैमिली जर्नी बताई हमारा रैपिड फायर भी हो चुका है अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को कुछ ऐसी अपनी खुद की लाइफ से अपने कुछ पांच ऐसे पॉइंट्स बताओ जो आपके सक्सेस के फेवर में थे मतलब एक तो मतलब ये जो मैं बताऊंगा ना वो वो वही है जो आपको सारे मोटिवेशनल स्पीकर दे रहे होंगे लेकिन स्टिल यार पता है ऊपर पॉइंट आ जाता है एग्जीक्यूशन सबको पता होता है कि सबको क्या करना है mm -hmm. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑडियंस में से या मेरी ऑडियंस में से कोई वीडियो देख रहा होगा उसे यूट्यूबर बनना है mm -hmm. तो उसे पता होगा कि मेरे को कैसी वीडियोस बनानी है पर वो mm -hmm. पहला स्टेप रखने में पहला स्टेप हर कोई नहीं रख पाता और जो पहला स्टेप रख देता है वो आखिरी स्टेप तक साथ नहीं रहता कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और मतलब अब तो रख ही रहा हूँ अब ऐसी बात नहीं है कि मतलब पेशेंस तो रहती है इंसान के साथ बट वो जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना कभी भी और जितनी भी सारी चीजें हैं कि टाइम से उठना मेहनत करना कंसिस्टेंट रहना इन सब चीजों के ऊपर आती है एग्जीक्यूशन की जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं करोगे धीरे धीरे स्टेप से तो सारी चीजें वेस्ट है सोचना सोचने में बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सोचने सोचने से बाहर आना बहुत जरूरी है यहाँ पे फिर हम इसको क्लोज करते हैं और इस क्लोजर के साथ ना मैं भी अपने कुछ फीडबैक्स पॉइंट्स बताना चाहता हूँ अरोड़ा की सक्सेस जर्नी के बारे में जो मुझे लगते हैं कि जो आई थिंक ऑडियंस जो सुन रही है क्योंकि जनरली क्या होता है सुनने वाले भी वो लोग हैं जो अपकमिंग क्रिएटर्स है तो क्या है कि गौरव अरोड़ा ने ना कभी भी हार नहीं मानी फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट गौरव अरोड़ा को जब लगा ना कि भैया मुझे कॉन्टेंट चेंज करना चाहिए चेंज किया थर्ड इसने प्लेटफॉर्म जब लगा कि प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहिए इसने प्लेटफॉर्म चेंज किए फोर्थ हमेशा एग्जीक्यूशन की जो बात करी ना वो बिल्कुल सही करी कि हमेशा एग्जीक्यूट करता है फिफ्थ इसने ना हमेशा बहुत बड़ा सोचा जैसे वेब सीरीज़ नहीं यार किसी क्रिएटर के बस की यार और ये कर रहा है यार और सच में यार गौरव जो तुम्हारी सीरीज होती है ना सच में अच्छी होती है क्वालिटी वाइज़ कंटेंट वाइज़ और मैं हमेशा ना सबसे तुम्हारे कंटेंट की तारीफ बहुत करता हूँ भाई मैंने और मुझे सीखने और वा, सिखाने वाले भी यही हैं <laughs> मैं और बता देता था मतलब फर्स्ट एक होता है ना कि आपका फर्स्ट जो वो होता है मेंटर वो भी बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में अच्छा रोल प्ले करता है और बहुत अच्छा मेरे को तो बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगता है कहीं पर भी जाके आपके एग्ज़ाम्पल ज़रूर देता हूँ कि हाँ क्योंकि ये वाले एग्ज़ाम्पल ही

हाल बेटे आशीष भारद्वाज चैनल जरूर जाकर सब्सक्राइब करो आपकी दादी वाली अपील लोगों को